हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंटेंसिव स्टडी। हम क्लास सिक्स की मैथ्स कर रहे हैं, एनसीईआरटी की। वी हैव बीन डूइंग द टॉपिक ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज कंसिडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल इज 2:5। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेथ्स एंड लेंथ्स ऑफ अ हॉल। इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में हमें कहा गया है ब्रेथ्स ऑफ द हॉल इन मीटर्स, यानी एक हॉल की ब्रेथ यानी चौड़ाई कितनी है, 10 है। फिर एक ब्लैंक दिया हुआ है, फिर 40 दिया हुआ है। ये कुछ इसके पॉसिबल ब्रेथ्स है, यानी ये इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसकी चौड़ाई कुछ इस प्रकार से हो सकती है। इसी तरीके से लेंथ ऑफ द हॉल इन मीटर्स है 25, 50 और ब्लैंक। और ये जो रेशो है, ये रेशो 2:5 में है। ये जितना भी लेंथ ब्रेथ दिया गया है, ये 2:5 का है, यानी ब्रेथ और लेंथ का रेशो कितना है, 2:5। एक्चुअली हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये फ्रैक्शंस, ये लेंथ, ये जो ब्रेथ्स और लेंथ दी गई है, क्या ये 2:5 का इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको यहां पर लिख लेते हैं 10/25। फिर लिख लेते हैं यहां पर ब्लैंक है, यहां पर 50 लिख लेते हैं, और फिर लिख लेते हैं यहां पर 40। अब देखिए 2 से 10 कैसे हो सकता है, 2 × 5, 2 × 5 = 10 होता है, और 5 × 5 = 25 होता है। तो ये रेशो बिल्कुल ठीक है, ये 2/5 का इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 25 से 50 दिया गया है। अब हमें यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है और 50 दिया हुआ है, तो आप 5 से 50 कैसे बना सकते हैं। अगर मैं इस 2/5 को यहाँ पर लिख लूं, तो अगर आप 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50। तो जिस डिजिट से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है, आप उसी डिजिट से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 10 क्या हो जाता है, 20। तो 50 के ऊपर क्या आ जाएगा, 20। अब ये 40 लिखा हुआ है और 40 के नीचे ब्लैंक खाली है, तो यहाँ पर हम 2/5 को दोबारा लिख लेते हैं। 2 से 40 कैसे बन सकता है, 2 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 × 2 = 4 और 0 एज इट इज। तो इसी तरीके से मैं इसे भी नीचे भी 20 से ही मल्टीप्लाई करूंगी। आप जिस डिजिट से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी डिजिट से नीचे कीजिए, जिस डिजिट से नीचे कर रहे थे उसी डिजिट से ऊपर कीजिए, ऊपर नीचे दोनों सेम डिजिट से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 5 × 2 = 10 और ये 0 एज इट इज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100, 40/100। एक और तरीका भी है, देखिए जैसे यहाँ पर 10/25 लिखा है और 20/50 लिखा हुआ है और 40/100 लिखा हुआ है, और हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये फ्रैक्शंस 2:5 यानी 2/5 का इक्विवेलेंट है। तो आप सिंपली इसे कैंसिल करके देख सकते हैं, 5 × 2 = 10 होता है और 5 × 5 = 25 होता है, ये 2:5 में हो सकता है कन्वर्ट। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 और 5, ये भी 2:5 है, और 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, सो ये भी 2:5 का इक्विवेलेंट है। तो यानी ये सारे रेशोज जो है, जो हमने फाइंड किए हैं, यस ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट ऑफ 2:5। ये सारे फ्रैक्शंस 2:5 के समतुल्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज डिवाइड 20 पेंस बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशो ऑफ 3:2। सो हमें 20 पेंस को 3:2 में डिवाइड करने के लिए कहा गया है, शीला और संगीता में। तो पहले स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं, टोटल पेंस इज इक्वल टू 20। टोटल पेंस है 20, जिसे हमें डिवाइड करना है 3:2 के फॉर्म में शीला और संगीता के बीच में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं द टू पार्ट्स आर 3 and 2। इस रेशो को आप इस तरीके से लिखेंगे, द टू पार्ट्स आर 3 and 2। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली आपको पार्ट्स में डिवाइड करना है, इस 20 पेन को आपको 3 and 2 के पार्ट्स में ही डिवाइड करना है। सो द सम ऑफ द पार्ट्स इज इक्वल टू 3 + 2 = 5। इन पार्ट्स का आप एडिशन भी करेंगे, एड करने पर क्या आया है, 5। देयरफोर
Sheila's share is equal to, सबसे पहले हमें कहा गया है कि ये जो 3:2 है ये शीला और संगीता में बांटना है, तो आपको नेम का ऑर्डर जरूर याद रखना है। शीला और संगीता 3:2 ऐसे लिखने का क्या मतलब है कि 3 जो है वो शीला का शेयर होगा और 2 जो है वो संगीता का शेयर होगा। सो देयरफॉर शीलाज शेयर इज इक्वल टू, शीला का शेयर कितना है 3 out of 5, 5 में से 3 लेगी वो, 20 pence में से नहीं, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। 5 4 होता है 20, 4 3 12, शीला को टोटल 12 pence मिलेंगे। संगीताज शेयर इज इक्वल टू, संगीता का शेयर कितना है 2 out of 5, सो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 20, 10 कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 20, 5 4 20, 2 4 8, सो संगीता को कितना पेन मिलेगा 8 pence। सो इस तरीके से पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसे टोटल पेंस से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 20 pence में से 12 pence मिल जाएंगे शीला को और 8 pence मिल जाएंगे संगीता को। ओके, सो इफ यू liked दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, और आप हमें कॉमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।